नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 146 सांसदों के निलंबन पर लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में जिलाधिकारी के माध्यम से सपाइयों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। सपा विधायक विश्वभर यादव ने कहा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इंडिया गठबंधन के द्वारा मिलकर संविधान बचाओ अभियान बचाओ शुरू किया गया है। भाजपा सरकार जनहित के मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रही है। सांसदों के निष्कासन पर राष्ट्रीय महिला सचिव नीलम गुप्ता ने भाजपा सरकार निंदा करते हुए कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विधायक तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। से आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या लग रहा है? हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें से जो 146 सांसद निलंबित किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इतिहास में पहला ऐसा हुआ है कि 146 सांसद निलंबित किए गए हैं। तो हम इस सरकार की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को 146 सांसद निलंबित किए गए हैं। को लेकर ज्ञापन दिया है, कौन लोग आए हैं? नीचे कर भैया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है और 146 सांसदों का जो निलंबन हुआ है, उसके विरोध में हम महामहिम को संबोधित ज्ञापन देने जिलाधिकारी के चौखट पे आए हैं। जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, महंगाई पे काबू नहीं किया जा रहा है, जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं और 146 सांसदों का निलंबन करके तमाम विधेयक संसद में पास कराए गए और उन सांसदों का दोष क्या था? तो यही तो मांग कर रहे थे कि जो 9 दिसंबर की जो घटना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा सदस्य ने जो पास इशू किए थे उन 506 लोगों की, उनके पे प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रहे थे। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की साजिश से वो लोग गए थे, उससे भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही थी, तो प्रधानमंत्री को वक्तव्य न देना पड़े तो ध्यान को बटाने के लिए जो सांसद ये मांग कर रहे थे, उन हमको निलंबित करने का काम किया है। ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, समाजवादी पार्टी के आह्वान पर आज धरने पर अशोक विहार में बैठे और जिले पर ही धरना नहीं, पूरे देश में आज समाजवादी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग उस धरने में समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। ये धरना उसी के विरोध में खड़ा है।